दिल्ली में दरिंदगी की सारी हदें हुई पार। युवती की लाश मिली तो शरीर पर नहीं थे एक भी कपड़े। स्कूटी सवार लड़की को कई किलोमीटर तक घसीटते ले गए दरिंदे। युवती के परिवार ने पुलिस की थ्योरी पर उठाए सवाल, कहा ये निर्भया जैसा है दूसरा कांड। बेहद शर्मनाक घटना है और समझ में नहीं आता कि हमारा समाज किस तरफ जा रहा है, जब कुछ लड़कों ने अपनी गाड़ी से एक लड़की को कई किलोमीटर तक घसीटा और उसकी बहुत दर्दनाक मौत हो गई। अभी उसका पोस्टमार्टम मैंने पता किया था, अभी पोस्टमार्टम शायद चल रहा है और जो भी उसकी रिपोर्ट आएगी, मैं उम्मीद करता हूँ कि और अपील करता हूँ कि चाहे जितने भी रसूख वाले क्यों ना हों जो दोषी हैं, उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसा ये तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम्स में आता है, ऐसे लोगों को तो फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। उस रात पूरा देश नए साल का जश्न मना रहा था, मगर राजधानी दिल्ली में एक लड़की को उसी वक्त मौत की सौगात मिली। ऐसी मौत जिसे देखकर किसी भी इंसान का दिल दहल जाए, जिसे जानकर रोंगटे खड़े हो जाए। वो पांच दरिंदे कार में सवार थे, लड़की स्कूटी पर जा रही थी। दिल्ली के दरिंदों ने पहले उसे जोरदार टक्कर मारी और फिर 4 किलोमीटर तक सड़क पर घसीटते हुए ले गए। वो उसे तब तक घसीटते रहे जब तक कि वो लड़की मुर्दा जिस्म में तब्दील नहीं हो गई। जब लड़की की लाश पुलिस ने बरामद की तो उसके जिस्म पर कोई भी कपड़ा नहीं था। लाश की हालत ऐसी थी कि देखने वालों का दिल दहल जाए। जी हाँ, 31 दिसंबर और 1 जनवरी की दरमियानी रात दिल्ली पुलिस को एक PCR कॉल मिली थी, जिसके मुताबिक सुल्तानपुरी से कंझावला इलाके तक एक कार करीब 4 किलोमीटर तक एक लड़की को घसीटते हुए ले गई थी। लड़की के शरीर में काफी चोटें आई थी, लड़की के शरीर से सारे कपड़े अलग हो गए थे। इसके बाद उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। उस वक्त दिल्ली पुलिस इस मामले को एक एक्सीडेंट बताकर पल्ला झाड़ रही थी। हालांकि लड़की की जो फोटो सामने आई है उसे कोई देख तक नहीं पाएगा, इसलिए हम फोटो नहीं दिखा सकते हैं। लड़की के शरीर से सारे कपड़े भी निकल गए थे, उसका पूरा शरीर क्षत विक्षत हो गया था, दोनों पैर तक कट गए। लड़की एक इवेंट कंपनी में काम करती थी। घटना के समय रात में वो अपनी ड्यूटी से लौट रही थी। पुलिस ने बताया कि स्कूटी के नंबर से हमने लड़की को आइडेंटिफाई किया है। जानकारी के मुताबिक 31 दिसंबर की शाम करीब 6 बजे अमन विहार निवासी लड़की घर से ये कहकर निकली थी कि उसे पार्टी यानी कि इवेंट कंपनी का कुछ काम है। रात 9 बजे लड़की ने घर फोन किया और कहा कि वो रात में वापस आएगी। परिवार का कहना है कि उन्होंने रात 10 बजे लड़की को फोन किया था, लेकिन फोन बंद था। दिल्ली पुलिस ने सुबह 8 बजे परिवार को दुर्घटना के बारे में बताया। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, घटनास्थल का निरीक्षण किया। लड़की का शव बीच रोड पर पड़ा था, शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। रोड पर घसीटने की वजह से लड़की के पैर गायब हो चुके थे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SGM अस्पताल मंगोलपुरी भेजा। शव को मोर्चरी में रखवा दिया गया है। लड़की का नग्न शरीर पाया गया है दिल्ली की सड़कों पर। ये बहुत ही ज्यादा डराने वाली घटना है और हमने समन्स इशू करे हैं दिल्ली पुलिस को, क्योंकि सबसे पहले तो वो ये हमें आकर एक्सप्लेन करें कि क्या हुआ और लड़की को इंसाफ कैसे दिलाया जाएगा। दूसरी बात मैं ये जानना चाहती हूँ कि न्यू ईयर्स ईव पर दिल्ली पुलिस की दिल्ली में क्या सुरक्षा व्यवस्था है कि लड़की को इतने किलोमीटर तक घसीट कर लेकर जाया जाता है और कोई चेक पोस्ट नहीं है। वो लोग दारू पी के गाड़ी चला कैसे रहे थे, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ? क्या दिल्ली पुलिस की कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी कल रात दिल्ली में? ये बहुत 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 डराने वाली बात है। दिल्ली महिला आयोग ने समन्स इशू करे हैं दिल्ली पुलिस को और मैं चाहती हूँ कि एक्शन। बता दें कि सुल्तानपुरी इलाके में SHO ने रात्रि गश्त के दौरान स्कूटी को दुर्घटनाग्रस्त हालत में देखा था और इसकी जानकारी थाने में करीब 3:53 पे दी थी।
स्कूटी नंबर की जांच की गई, जिसके बाद लड़की के बारे में पता चला। पुलिस का कहना है कि हादसे के बाद लड़की कार के पहियों में फंस गई थी, इसके बाद वो काफी दूर तक घसीटती चली गई। पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद कार सवार पांचों लड़कों को पकड़ लिया है और कार जब्त कर ली है। पुलिस का कहना है कि कार सवार लड़कों का मेडिकल कराया जा रहा है। पुलिस ये पता करने की कोशिश कर रही है कि क्या लड़के शराब के नशे में थे। फिलहाल पुलिस को अभी तक इस घटना से जुड़ा सीसीटीवी नहीं मिला है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। बता दें कि मृतक लड़की के पिता की पहले ही मौत हो चुकी है। घर में दो बहनें, दो भाई और माँ रहती है। एक बड़ी बहन की शादी हो गई है। घटना में मारी गई 23 साल की लड़की ही पूरे घर में इकलौती कमाने वाली थी। उसकी माँ किडनी की बीमारी से पीड़ित है। उनकी दोनों किडनी खराब हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक लड़की घर के खर्चे से लेकर अन्य जरूरतें पूरी करती थी। इस समय वो इवेंट कंपनी में जॉब कर रही थी। परिवार का सहारा छीनने से हर कोई गमजदा देखा जा रहा है। यहाँ तक कि कोई बात करने तक को तैयार नहीं है। उधर पीड़ित परिवार की तरफ से लड़की को करीब 4 किलोमीटर तक सड़क पर घसीटने के मामले में दिल्ली पुलिस की थ्योरी पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। परिवार का कहना है कि ये रेप के बाद मर्डर का मामला है। उसके कपड़े ऐसे ही नहीं फट सकते हैं। जब वो मिली उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। हम चाहते हैं कि इस मामले की पूरी जांच हो। पीड़ित लड़की के मामा प्रेम सिंह ने कहा कि ये केस निर्भया जैसा है, हम न्याय चाहते हैं, इस मामले में निष्पक्ष जांच हो। वहीं एक चश्मदीद दीपक ने दावा किया है कि पीसीआर वैन को हादसे के बारे में बताने पर भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पीसीआर वैन की पुलिस होश में नहीं थी, इसलिए उन्होंने एक्शन लेने में इंटरेस्ट नहीं लिया। हालांकि अब जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिर इस मामले में पुलिस कितनी एक्टिव थी।